हेलो नमस्कार दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको ये सारे मटेरियल की जरूरत चाहिए, जैसे स्पीकर सॉकेट, 6 RC माइक सॉकेट, डुअल टोन वगैरह, और ये सारे को प्लस पाना, 2-3 तरीके के पाने की जरूरत है, एक चिमटी की जरूरत है, ट्रांसफार्मर वगैरह, ये सब चाहिए। जिस तरीके से मैं लगाता रहूँगा आपको बताता रहूँगा कैसे किस तरीके से ये बनेगा। तो बनाने के लिए आपको एक ये इस तरीके से चेसी आती है, और एक ये पैनल आता है, पैनल, और एक ये चेसी इस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 1 इंची की पेंच लेनी है, जिसे 1 इंची की पेंच कहते हैं, बिना वार्सल वाली, मतलब इसके पीछे वार्सल नहीं है कोई। उसको आपको इन 4 जगह डालना है इस तरीके से, यहाँ पे चारों पे पीछे साइड स्पीकर सॉकेट लगेगा, और उसके ऊपर से आपको इसको रखना है इस तरीके से। और इसके अंदर एक हैंडल जो है, ये आपको एक हैंडल चढ़ाना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और दोस्तों अगर आप इसमें आपको बस फिटिंग करने के बारे में बताऊंगा किस तरीके से फिटिंग करते हैं। अगर आपको वायरिंग के बारे में समझना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको सबसे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसे सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, और कमेंट में हमें बताना कि क्या आपको अगर कोई दिक्कत आती हो तो। चलिए सबसे पहले इसका हैंडल फंसा रहा है यहाँ पे दोनों तरफ को, दोनों तरफ नट फंसाना है आपको, इधर साइड भी। आपको इस वाले पानी की जरूरत पड़ेगी, इस वाले पानी को कहते हैं 532 का पानी, इसका नंबर है 532। इससे आपको इसे टाइट करना है, इतना हिस्सा होने के बाद आपको करना क्या है, ये दो ऑन ऑफ स्विच कसना है, यहाँ जहाँ आपने पेच लगाई थी उससे पहले आपको ये स्पेसर डालना है, ताकि इतनी दूरी पे रहे ये स्पीकर सॉकेट। नीचे जो ऑन ऑफ, जहाँ ऑन ऑफ लिखा होता है वहाँ हमें लगाना होता है लाल, क्योंकि ऑन ऑफ की जगह पे हमेशा लाल लगता है। और इसके ऊपर से आपको नट चढ़ाना है, इसे 1/8 का नट बोलते हैं। जब आपका इतना हो जाइए तो उसके ऊपर आपको इसके ऊपर ईवो फिक्स लगा देनी है, ताकि ये बाहर ना निकले, इसकी चूड़ियों पे, चारों पे, क्योंकि हमने इसे पूरा टाइट नहीं करा, पूरा टाइट करना भी नहीं। अगर आप पूरा टाइट कर देंगे तो इसका ये चाल है ये खराब हो जाएगी, ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। आप इसे अच्छी तरीके से देख लें कि ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या होता है, उसके बाद आपको ये ड्यूल लेना है, बता देता हूँ। ये जो एक जैसे ड्यूल है 100 के, ये रहा 100 के लिखा हुआ, जो 100 के का ड्यूल है वो दोनों बेस और ट्रेबल पे लगेगा। एक ये 47 के का ड्यूल है, ये वॉल्यूम पे लगेगा, और एक ये टोन है जिसमें 3 पिन वाला है, ये बैलेंस पे लगेगा, बैलेंस सेट करने के लिए। 100 के का ड्यूल के पीछे एक ये जो है नक्का, या तो फिर आप इसे तोड़ दें, या इसी के बराबर का एक ये वार्सल है, ये लगा सकते हैं आप। मैं वार्सल लगाऊंगा, फिर आगे से आपको इसके आगे भी नट लगाने, ये इसी के साथ ही आ जाएंगे, आपके ड्यूल के साथ ही आते हैं नट। ये टोन है, टोन के साथ का भी आपके साथ ही आएगा, ये फिर से ड्यूल है, एक ये ड्यूल जो कि लगा हुआ है ट्रेवल पे। और एक ये ड्यूल जो लगा हुआ है बेस पे। और आपको इसको कसने के लिए टोन पाना कहते हैं, टोन पाने की जरूरत पड़ेगी,
तो इधर याद रहे ये सीधा ही होना चाहिए। देख सकते हैं आप बिल्कुल ये जो है सीधे हैं। अब उसके बाद क्या करना है आप, ये आपको दिख रहे हैं इसके सबके ऊपर आपको एक बोनफिश लगानी है हल्की हल्की। और ये नोबे लगा देनी जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे वो सबसे बड़ी वॉल्यूम और बाकी तीनों एक साइज की। तो आपको उसके बाद करना क्या है, ये कार्ड लगाना है आपको जो कि इस तरीके से लगेगा। और इसमें देख सकते हैं आप ये बिना वार्सल का है। और यह है वार्सल वाला, आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। तो आपको इसके अंदर बिना वार्सल वाला लगाना है। आपको इसको ठीक तरीके से टाइट करने के बाद आपको करना क्या है, ये दो आपको इसके आगे लगाने हैं। ये देख सकते हैं इसका उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, आपको इस यहाँ पे लगाना है इसको इस तरीके से दोनों। ये कार्ड के साथ ही आपको मिल जाएगा ये दोनों है। उसके बाद करना क्या है, आपको बैक साइड आनी है। अब आपको करना क्या है, इधर साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर लगेगी एक लीड गुरमुट। सबसे पहले आपको लीड गुरमुट लगाना है। लीड गुरमुट लगाने के बाद आपको स्पीकर सॉकेट में पेंच कसनी है। 495 पेंच है, आप पेचकस या ये मैं तो मशीन से कस रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ से कस सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्पीकर सॉकेट कसना है, सब में 495 लगेगी। 495 एक पेंच है, यह 6RC, 6RC में दो पेंच लगेगी। ये पीछे की इसकी बाद में तारे बता दूंगा इसके बारे में कि किस तरीके से जोड़ना है। और स्पीकर सॉकेट में जो लाल वाले साइड वो ऊपर रखना, और 6RC में भी ऐसी पिने ऊपर रख देना, लाल वाले वो खुद ही ऊपर हो जाएगा, लाल पॉइंट जो है। तीनों ही 6RC से कसेंगे। उसके बाद आ जाते हैं DC पे। DC सॉकेट पे जो प्लस है उस पर लाल वाली, और जो माइनस है उस पर काली। तो प्लस वाले पे आपको ये दो हिस्से ही अलग हो जाएंगे, जो एक साइड है उसे पीछे रखनी है बाहर की तरफ को, और बाकी सब अंदर साइड कसा जाएगा। और जो एक पत्ती है उस पर टाका लग जाएगा। पत्ती को याद रहे कि आपको मोड़ देना अच्छे तरीके से। उसके बाद DC कसेंगे हम, DC भी उसी तरीके से कसा है ये। और DC कसने के बाद ये जो पत्ती है दोनों पिने, इसे मोड़ना है आपको नीचे की तरफ को, ताकि टाका लगाने में आसानी रहे बाद में। उसके बाद ये माइक सॉकेट है, माइक सॉकेट में से एक ही नट आपको बाहर निकालना है और दूसरा इस हिसाब से रखना है बराबर, जो कि अच्छी तरीके से आगे वाला नट चढ़ सके। उसके बाद फिर प्लास से इसे टाइट कर देना अच्छी तरीके से, और ये आपकी बैग कंप्लीट हो चुकी है इस वक्त। अब पीछे आ जाते हैं, पीछे इसके नीचे लगाने हैं पैर, तो पैर लगाते हैं। पैर लगाने के लिए आपको इसके अंदर 6 पैसेट लगती है पैर में बिना वार्सल वाली, तो 6 पैसेट लगाएंगे हम। एक ये बिना वार्सल वाली 6 पैसेट, आप सबसे पहले ही आप पेचकस में पेच फंसा लें उसके अंदर लगाएं, और ये आसानी से कस जाएगी। इसी तरीके से आपको ये चारों कसनी है पेचे, पैर के बिना भी चल जाता है बट अच्छा नहीं लगता। ये चारों कस गया, फिर दोबारा सीधा करते हैं। अब इसके अंदर हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये रहा ट्रांसफार्मर, इसमें दो तारे हैं, एक लाल कलर की एक ग्रीन। इसमें संतरी है बट लाल और ग्रीन होती है ज़्यादातर। जो प्राइमरी है वो लाल है, ग्रीन सेकेंडरी, बाहर वाली सेकेंडरी, अंदर वाली प्राइमरी। आपको एक पेंच लेना है, उसके अंदर वार्सल लगाना है, नीचे साइड से वार्सल, फिर ऊपर से एक वार्सल, फिर नट। 5x32 के नट पेंच वार्सल, तीनों 5x32 के हैं। ऐसे
करना है आपको, नीचे साइड से ही वार्सल, ऊपर साइड से ही वार्सल, फिर सबसे लास्ट में ये पेंच लगा देनी है। उसके बाद पान है 5/32 का पान है ये, जैसे हैंडल का साथ हमने वही वाला पान इसमें भी लगेगा, और अच्छी तरीके से इसे टाइट कर दें ताकि ये हिले ना। फिर सबसे लास्ट में एलईडी लेते हैं, एलईडी पे बोनफिश लगानी है। बोनफिश लगाने के बाद आपको एलईडी की दो पिनों में से एक ये जो है छोटी वाली ऊपर रखनी है, जहाँ पावर है वहीं लगानी है आपको एलईडी, और ये छोटी वाली पिन जो है ये ऊपर रखनी है। और ये फाइनली कंप्लीट, इसके ऊपर ढक्कन लग जाएगा बाद में, ढक्कन का तो आपको पता ही है किस तरीके से लगेगा। थैंक्स।